ग्वालियर में एक निजी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का मामला सामने आया है। कुछ दबंगों पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। ग्वालियर के लोहिया बाजार निवासी पार्वती बाई कंजोलिया ने कुछ लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ऊंट पुल पर शिव मंदिर के पास में उनकी जमीन है। जमीन से संबंधित सभी वैध कागजात उनके पास हैं, लेकिन कुछ दबंगों की नज़र जमीन पर है। पिछले दिनों हम भूमि पर बाउंड्री वॉल बना रहे थे, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने नगर निगम के साथ मिलकर उसको तोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कब्जा करने वाले लोगों के पास किसी भी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इस मामले में नगर निगम के आला अधिकारी और कर्मचारी दबंगों के साथ हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ये जो पार्वती बाई कंजोलिया के पति थे स्वर्गीय श्री शंकरलाल कंजोलिया जी ने संपत्ति क्रय करी थी, उसके बाद उनके ध्यान के बाद पार्वती बाई कंजोलिया जी का उस पर नामांकन हुआ। मंदिर वाले उसे जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, बार बार जाके इधर उधर परेशान करते हैं। उनके कोई भी दस्तावेज नहीं है। मैंने पूरे दस्तावेज नगर निगम ऑफिस में भी दिए हैं। नगर निगम ऑफिस के बाद मैंने कोर्ट में केस लड़े। कोर्ट में केस लड़ने के बाद हमारे खिलाफ पेपर में डिग्री हुआ केस। हमारे इतने दोनों तरफ नगर निगम के खिलाफ और मंदिर के खिलाफ दोनों केस हम जीते हुए हैं। उसके बाद भी ये लोग हमें परेशान करते हैं, कब्जा करते हैं, करना चाहते हैं जबरन तरीके से मंदिर पर, और रोज परेशान करते हैं। कहीं कोई शिकायत करते हैं, कहीं कोई शिकायत करते हैं, और नगर निगम जिसमें उनका साथ दे रहा है और नगर निगम के कमिश्नर उसको आदेश कर देते हैं, तो हम लोग जैसे थे तो वहाँ अपना कुछ बनाते हैं तो उसको तोड़ के चले जाते हैं। उनसे कहते हैं आप हमें लिखित में सूचना दें, बोले लिखित में हम कोई सूचना नहीं देंगे आपको। आज तक कोई सिंगल सूचना नहीं दी उनने। अभी 15 दिन पहले हमने वहाँ पर अपनी बाउंड्री बनाई थी तो नगर निगम के मदाखलत वाला अधिकारी आए, उनने आके उसको तोड़ा पूरे को, और हमने उनसे आप हमें लिखित में सूचना दे दें, कोई दिक्कत नहीं, हमारी गलत होगी तो हम हटा लेंगे, आप हमें बताएं तो कैसे गलत। बोले नहीं हम बताएंगे कुछ नहीं, हम तो ले जाएंगे उसको तोड़ के। जबरन तरीके से उसको तोड़ के पूरा हटा दिया वहाँ से। उसके बाद अभी हमने वहाँ पर हमने मंदिर का गेट भी बना लिया बिना बताया। पहले वहाँ पर दीवार थी, दीवार को मैंने आप लोगों को फोटो दिया है, दीवार की दीवार तोड़कर हमने मंदिर बना लिया है। ये पार्वती बाई कंजोलिया के नाम से जमीन है अभी प्रेजेंट में, और मंदिर के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये पंजाबी समाज का मंदिर, रुद्राक्ष मंदिर, रवि बत्ता है, कोई तिलक बैरी है, जगदीश अरोड़ा, सुभाष अरोड़ा, जो लोग इकट्ठे होकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये पीछे ही मंदिर के पीछे ही रहते हैं, तो वो आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे आके विवाद खड़ा करते हैं, धमकी दी जाती है, लड़के भेज देते हैं। SP ऑफिस भी हमने आवेदन दिया, इंदिरागंज थाने में भी दिया, कोई हमसे आवेदन ले नहीं रहा है। नगर निगम कमिश्नर से मिले, नगर निगम कमिश्नर में भाई आश्वासन दे देते हम देखेंगे, करते कुछ नहीं है। ग्वालियर कलेक्टर में आवेदन हमने नहीं लगाया, हमने कमिश्नर को आवेदन लगाया, SP को लगाया और आपके पुलिस थाने में आवेदन दिया, किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।